हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं इसका टियर डाउन वीडियो। तो एयरटेल वाला देखिएगा, काटेगा हम लोग को, ऐसे तोड़ दिए हम लोग इसको। देखिए, खोलना इतना आसान नहीं है, हम पहले ही खोल के रखे हैं, देख सकते हैं। मतलब वायर कटर है और ये क्या कहते हैं इसको, स्क्रू ड्राइवर है ये, और ये टेस्टर है। ये तो सबके घर में मिल जाता है, और ये भी मिल जाएगा। ये सब नहीं मिलता है, ये विचित्र चीज है। मतलब मिलता है, पैसा लगेगा तो का नहीं मिलेगा, मतलब उसका जरूरत नहीं है आपके घर में। ये सब तो होबे करेगा, आराम से हो जाएगा, इससे नहीं खुलता है। टेस्टर सबके यहाँ मिलता है, 10 रुपए का मिलता है। तो फ्रेंड्स, पीछे कुछ ऐसा ढक्कन है, बहुत बढ़िया बढ़िया लॉक लगा हुआ है। और ये हमारा फाइबर का केबल है, जो कि यहाँ से बाहर से कनेक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट होता है, जो बाहर से अब हमारे बोर्ड से आता है, जो मतलब पोल पर से आता है, और यहाँ से आता है, जो कि ये फाइबर है, जो कि यहाँ से निकाला जाता है। टूट जाए तो फिर फाइबर वो बंद हो जाएगा, आप क्या करिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये फाइबर का केबल है, इसमें लाइट पास होता है, जो कि ये देख सकते हैं वाइट वाइट, ये जो वाइट वाइट केबल है, इसमें यहाँ से इसे एक आता है जो बाहरी है, वो में से लाइट आता है और इसमें से पास होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है फ्रेंड्स, इसी के अंदर से लाइट पास होता है और वही इंटरनेट के चलता है, उसी से इंटरनेट चलता है फ्रेंड्स। ये सबसे फास्ट नेटवर्क तरीका है फास्ट चलाने के लिए, फाइबर नेटवर्किंग। और चलिए इसको दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए हमारा एंटीना है, जो कि देख सकते हैं यहाँ से दो तार आया है, ब्लैक एंड ग्रे, और इधर से भी देखिए दोनों ब्लैक इधर और दोनों ग्रे इधर लगा हुआ है। तो चलिए इसको डिटैच करते हैं, मतलब वही डिटैच करते हैं। तो इसे करना, इसे लॉक है। तो फ्रेंड्स, इसे ये डिटैच हो गया, और यहाँ से एक और है, ये हो गया और ये हो गया। फ्रेंड्स, बड़ा सावधानी से खोलना पड़ रहा है, नहीं तो टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका पता नहीं लगाइबो करेगा कि नहीं, फिर आके पैसा लेगा अलग से। तो आराम से खोलना है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं खुल गया है, और ये भी बाहर आता है, नहीं इतने आता है। देखिए, ये सब नोच नाच मत करिएगा, फिर बिगड़ जाएगा तो दिक्कत खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये स्क्रू देखने को मिलता है, इसको ऐसे ऐसे ऐड दीजिए, खुल जाएगा धीरे धीरे। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला स्क्रू जो है, जो बाहर आ चुका है, और यहाँ पर भी एक स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा स्क्रू है, जो कि बाहर आ चुका है, और ये तीसरा, यहाँ पे कुल 4 स्क्रू है। फ्रेंड्स, अंदर से बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है एकदम, कैपेसिटर देख सकते हैं यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया ये लोग लगाया है, मतलब वहाँ रहना है कुछ दिन तक, मतलब टिकना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर बढ़िया प्रयोग किया गया है, कि खराब ना हो जल्दी, नहीं तो ब्लास्ट होकर चारों ओर कागज़ हो जाएगा अंदर ही अंदर। और यहाँ पर लॉक है फ्रेंड्स, तो ये बाहर आ जाएगा, और इधर से भी लॉक है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। देखिए, आ गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं बाहर। और ये हमारा कहने फंस गया जी, ये एंटीना वाला। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं फाइबर के अंदर यही मेन होता है हमारा, जो कि बाहर आ चुका है। ये भौकाल टाइट करने के लिए है, मतलब देख सकते हैं आप, इसमें मतलब देखा जाता है कि ये मतलब लुक अच्छा बनाने के लिए दिया हुआ है, मेन तो यही होता है, जो देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि इसको बहुत दिन तक चलना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यूस इसको चलाते हैं, 1-2 साल तक मतलब ऑन ही रहता है, लाइट कटा तो शायद ऑफ होगा, नहीं तो इन्वर्टर से है तो भूलिए जाइए कि बंद होगा फ्रेंड्स। इसका हीट सिंक देख सकते हैं कितना तगड़ा दिया हुआ है, जो हीट सिंक आपको नहीं पता हो तो उसको कहते हैं, जो इसको इसके बॉडी को ठंडा करता है। जैसे आपके फोन में होता है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर पे आप लोड डालिएगा तो प्रोसेसर हीट होता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए ज्यादा फोन में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है उसके बॉडी का, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो हीट को जल्दी अपने अंदर ले लेता है,
फ्रेंड्स, इसमें भी एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया गया है और लगभग हर जगह एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हीट सिंक का बात करें तो आपके फोन में अब आ रहा है वेपर कूलिंग चेम्बर, जो कि नया टेक्नोलॉजी है, वो ठंडे करने का है। और पीसी में देखिएगा तो लिक्विड कूलिंग उसमें भी आता है, पाइप लगा के बोतल से रंग वंग वाला पानी डाल देता है, वही सब है फ्रेंड्स, ये ठंडा करने के लिए है। और ये अपना पहले ही बताया था, ये सब एचडीएमआई नहीं है, ये टेलीफोन है, और ये मतलब लैंडलाइन वाला है ये, और ये अथु वाला है, मतलब याद नहीं आ रहा इसका नाम, लेकिन वो आप यहाँ से लगा के इंटरनेट चला सकते हैं अपने लैपटॉप वगैरह में। और ये यूएसबी है फ्रेंड्स, इस पीसीबी का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसको नोचा नहीं जाएगा, क्योंकि ये आईसी के ऊपर ये हीट सिंक पेस्ट है, नहीं तो कबर जाएगा तो फिर हुआ खेला ख़त्म हमारा। और ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, जो कि यहाँ से पावर दिया जाएगा तो ये चलेगा। और इसको निकाल के दिखाते हैं, इसके अंदर भी ये भी खुलता है फ्रेंड्स, आपको नहीं पता हो तो ये सारा ढक्कन खुल जाता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कि प्रोसेसर कह लीजिए या जो कह लीजिए, प्रोसेसर ही टाइप का है, प्रोसेसर भी आपके फ़ोन में ठीक इसी तरह से होता है, और वो कंपनी का होता है, क्वालकॉम का या मीडिया टेक का, जो का जिसका भी हो, मतलब स्नैपड्रैगन या मीडिया टेक का। और यहाँ पे भी खोल के देख लेते हैं, ये भी फ्रेंड्स खुलने वाला है, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी से लॉक किया हुआ है। पहले आइए इस ढक्कन को खोलते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया हुआ है, ये इसको बोला जाता है मतलब हीट, मतलब पेस्ट लगता है, थर्मल पेस्ट, जो कि ठंडा करने के काम में आता है। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, क्या होगा कि इसका हीट ये अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हीट नहीं होता है फ्रेंड, जो ज़्यादा हीट होता है वो इधर दिया हुआ है, वो आईसी इधर है जो कि ज़्यादा हीट होता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो लगा हुआ है इसके अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा तो कैमरा में अच्छे से आ रहा होगा, तो ये शायद बाहर भी आता होगा, हाँ ये बाहर आ जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये आपका बाहर आ गया है। और यहाँ पर अरे खेले गए भाई, आईसी है नहीं है जी, अच्छा मतलब फ्रेंड्स, मतलब मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आईसी पीछे दिया हुआ है इसको ठंडा करने के लिए, इधर से दिया हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मतलब आईसी हीट ना हो, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये राउटर बहुत ज़्यादा दिन तक ये चालू रह जाता है और जल जल ना जाए, इसी वजह से फ्रेंड कितना बदलेगा, बदलते बदलते एयरटेल वाला रोने लगेगा, मतलब जिस कंपनी का भी हो, ऐसे में एयरटेल को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जियो का हो, तो कोई भी जिस कंपनी का हो, तो फ्रेंड्स ये क्वालिटी बढ़िया है इसका, बिल्ड क्वालिटी पीसीबी का बढ़िया है, और शायद इसी में सिम वगैरह भी होता होगा, क्योंकि बिना सिम का नेटवर्किंग हो पाना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, तो देखते हैं शायद इसी में सिम भी होगा, ये भी प्रोसेसर ही लग रहा है। और इसको भी देखते हैं खोल के खुलता है कि नहीं फ्रेंड्स, इसे लग रहा है खुल रहा है, नहीं फ्रेंड्स देखिए ये रहा सिम कार्ड, आपका सिम कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो बाहर लगा हुआ है वो सिम कार्ड नहीं था, ये है सिम कार्ड। और फ्रेंड्स इस तरफ बात करें तो एलईडी भरा हुआ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये यहाँ पे 2 LED लगा, बहुत सारा भौकाल टाइट, मतलब भौकाल का टाइट करेगा यहाँ पर, जिससे ये पावर लाइट ये सब, मतलब लैन 1 लैन 2 लैन 3 ये सब, और इंटरनेट WPS4 ये सब के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्डरिंग भी अच्छे से किया हुआ है, फिनिशिंग सोल्डरिंग का बहुत अच्छे से है, और ये सब कंपोनेंट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर लगा हुआ है माइक्रो वाला, और यहाँ पे 3 कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, एक वही है, वही है, और यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा टीयर डाउन वीडियो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।